मतलब कल देख लिया वो था क्या अभी मतलब आपने? आपने आपने ओ आपने भेजा था नहीं, सीसेट का भेजा सर। ओ यो हनी सिंह, वेरी गुड। सीसेट नहीं भेजा, 61। और ट्रैक रखना कितना सही हो रहा है तुम्हारा, ठीक है? अभी हम जितने भी ओके क्वेश्चंस सर, करेंगे वो ट्रैक रखना है। लेकिन सर मुझे ये क्वेश्चन वर्ण अनुक्रम दस पांच का। मतलब ओके पैटर्न है, यू हैव टू फॉलो दिस आई पैटर्न। अंडरस्टैंड। ये शबनम, आपको क्या लगता है क्या हमारा कंट्री बहुत ज्यादा रिलीजन के नाम पे डिवाइड हो गया है? अब कोई होप नहीं है, होपलेस हो गए हम, क्या लगता यस है? सर, सारे इंडेक्स में हमारा रैंक नीचे से टॉप करते हैं हम, यस सर, और फिर भी रिलीजन के नाम पे लड़ते रहते हैं। कोई रिलीजन खराब नहीं होता है, आदमी खराब होता है। यस सर, एग्जैक्टली मेरा भी यही बिलीव है। चल 61। सर आंसर इज के How do you know that? सर, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। डब्ल्यू और वाई के बीच में एक लेटर है, फिर डब्ल्यू और टी के बीच में दो लेटर्स है, दैट इज यू वी, और टी और पी के बीच में तीन लेटर है, देन आप फॉलोइंग चार लेटर हो, राइट वाओ, सो इंटेलिजेंट। चलो नेक्स्ट। है ना सर? राइट है, नेक्स्ट ओके सर, नेक्स्ट सर। इज 64। आपको दिख पा रहा है 64? दिख तो पा रहा है सर, लेकिन अबे दो इक्वेशन है, यू हैव टू सॉल्व इट आउट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 41, एंड एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इज 369। तुमको पता है शबनम, यहाँ पे डाकू आ रहा है सिलचर में। यहाँ पे डाकू डाकू। आता है घर पे, वो नाव में तैर के जहाँ पे भी डूबा हुआ है ओ सिलचर। सर सर, न्यूज़ देखा मैंने, क्या देखा? चोरी हुआ ना। चोरी नहीं, डाकू लोग चोरी नहीं करते हैं, वो डकैती करते हैं, डकैती। चोरी तो छोटी मोटी होती है। अब क्या होगा छबू? सॉल्व करो 64। सॉरी सर, ओके सर, बाप, इतना टाइम लगेगा? फॉर फर्स्ट सर बी हाउ डू यू नो दैट? सर, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, बहुत ही इंटेलिजेंट। पहले मैं लंबा कर रही थी, फिर मुझे लगा कि मैं सब्स्टिट्यूशन करके देख लेती हूँ, लेकिन अगर तो मैं बी फोर, तो
फोर रखता हूँ यहाँ पे, फोर टू द पावर फोर माइनस फाइव टू द पावर फोर, ये तो नेगेटिव नंबर होगा ना, यहाँ तो नेगेटिव नंबर आएगा ना, ये 369 कैसे आ गया? नहीं समझे? हेलो हेलो सर सुन रही हूँ सर। सर इधर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है ना। अबे झंडू इंसान, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी लिखा है तो एक्स टू द पावर फोर तो पॉजिटिव ही निकलेगा ना किसी भी केस में, जब हाँ स्क्वायर हाँ या हाँ तो हाँ यहाँ इवन पे नंबर। यस सर ओ यस सर। यो हनी सिंह, तो -625 होगा ना, ये दोनों तो पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ -369 आ गया ना, आ गया ना, आ गया ना, यस अब क्या होगा छोटू? सर क्यों। यस सर लेकिन फिर भी मेरा आंसर बी हो। अबे चुप, सी है आंसर, एकदम ही ढक्कन है यहाँ पे, फाइव हो ये ओ अब। यस सर। सर रुकिए रुकिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ, खलो खलो क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा ना, इसीलिए ये 625 बड़ा हो गया ना, तो इसको मैं इस साइड रख दूंगी, एक्स पे रख दूंगी। ये पहले क्यों नहीं सोचा, एग्जाम में बबल फिल करने के बाद उसको क्या ब्लेड से काटेंगे, स्क्रैच करेंगे? तो सर मैं अरे इसको क्या मानूं, क्या राइट है या रॉन्ग मानू, गलत है, क्या मानू, एकदम एब्सोल्यूटली बुलशिट रॉन्ग, क्या मानू, लगता है ऐसे एहसान कर देंगे उसको ओके गलत मान के मेरे लिए, क्या सर आप भी बोलूं। ना। चलिए इसका सवाल कीजिए ना। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है चुभुगिया? 66, यस सर 66, 66। यस यस सर यस सर। हाँ इसको फिल कीजिए, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, आपको ऑप्शन दिख जाए, लेकिन आप चोरी कर लेंगे ना इसीलिए थोड़ा सा। बाप रे बाप, तो गॉड इतना ध्यान रखना पड़ता है। ओ गॉड, उधर से कुछ ना दिख जाए चुभुगिया। चलिए भरिए आप और ऑप्शन देखिएगा क्या नीचे वाला भी। सर एक मिनट है। ओके okay. तुम्हें सो गए क्या? ओह माय गॉड, चबूनिया आई यस सर। एम सो फनी। अब एक सॉल्व करेगा या मेरे को सुला सर देगा? एक मिनट। ओह चबू मिया, मैं कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, वो लोग मेरे को लाइन मारने लगते हैं, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है। ए यार सॉल्व कर इसका आंसर बता। सर आप क्यों हंसाते हो मेरे को। सर तुम आज करोगे या कल तक देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? अरे क्या इस नीचे ऑप्शन क्या है सीडी में। दिखा देता हूँ,
लिख लो कहीं कॉपी में, टू और थ्री है, सी टू है और बी थ्री है। तो मुझे नहीं आया। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ 77, 112, 108। अगर हम ये पैटर्न देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे 11 आया, 11 × 21/3, ये आ रहा है 77। फिर यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें, इसको अभी थोड़ा छोड़ देते हैं, ये वाला देखते हैं 36। तो यहाँ पे बीच वाला मिडिल एलिमेंट लेते हैं 12 × 36/4, दैट इज़ 9। तो 12 × 9 ये गिव यू 108। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पे होगा, 14 × 24/what, जिससे कि हमें 112 मिले। 112 के लिए हमें 14 × 8 चाहिए, सो दैट मीन्स 24/x जो है वो 8 होगा, सो दैट मीन्स x जो है वो 3 होगा। समझ में आया क्या किया हमने शेड्यूलिया? यस सर। नहीं आ पाया सर, सर आपने x का वैल्यू निकाला। अरे वो तो ठीक है, ये जो लॉजिक है ये समझ में आया? हाँ लॉजिक आ गया सर, पैटर्न ना। हाँ लेकिन सर हाँ कैसे पता चलेगा? ये प्रैक्टिस से पता चलेगा, ये पैटर्न सबसे टफ होता है, ये जो पैटर्न है ये टफ होता है, जनरली सॉल्व नहीं होता है। सॉल्व हो गया तो आपकी अच्छी किस्मत, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है, बढ़ेगा ना आपका। इसको हम लोग ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसका कोई एक फिक्स लॉजिक नहीं है, ये प्रैक्टिस करते करते आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारे लॉजिक हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा लॉजिक है। इस तरह का पैटर्न है तो गलत मत कीजिएगा। समझ आ रहा है शेड्यूलिया? आगे चलें। एक मिनट ओ चलो, ओके सर। ओके यो यो हनी सिंह, तुम्हारा नाम हनी सिंह किसने रख दिया? मेरे को ये अजीब लगता है। कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने सर? इसका मैं क्या करूं, अनअटेम्प्ट करूं? तुम्हारा तो रॉन्ग हो गया ना। नहीं सर, मैंने तो ऑप्शन ही नहीं देखा, मैंने बोला मुझे नहीं आता। हाँ अनअटेम्प्टेड 68। ऑफ कोर्स बहुत सारे पैटर्न्स हम कर लेंगे। आपका काम क्या है कि इस तरह के पैटर्न्स पे और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब होमवर्क देते हैं ना उसको करना होता है, ये नहीं कि होमवर्क दे दिया लिख लिया उसको भूल गए। किया होमवर्क आज का? यस सर। सर मेरे को आज का होमवर्क में ना आपका ना ज्योग्राफी का मेरे को नोट्स भेज पाओगे, मतलब स्लाइड सारा भेज दो, आज भेज दो सब। वो कन्वेक्शन का ना मुझे आपका नोट चाहिए था इसलिए। तो वो तो पूरा आएगा ना, मेरे को कल याद दिला देना, कल मैं भेज दूंगा मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है, मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून के टाइम पे। देखो ओके सर। 68 फास्ट, स्पीड मैटर करता है, फास्ट। आज नेट इतना अच्छा कैसे आ रहा है शबनम? सर लाइट नहीं गया। अरे वाह शबनम, एक सर नजर मत लगाओ ना, इतना मुश्किल से लाइट रहता है। शबनम हुआ नहीं हो पाएगा। शबुमिया ये क्वेश्चन होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। सर होना ही चाहिए ये। हाँ इजी है ये। क्या लग रहा है? लग रहा है? मैंने बोला लग नहीं रहा है। अरे भाई इजी है, थोड़ा सा सोचो ना।
बता दूं क्या? इज इट 44? What are you saying? 44 सर, And why are you saying that? चलो मैं फास्ट सर, क्योंकि ना मैंने स्प्लिट अप किया, एम का वैल्यू जैसे 26 दिया है तो टोटल सम के लिए 72 है, तो उसमें से मैंने 26 को निकाल दिया, आई केम अप विद 46। तो फिर सब मैंने दिमाग, सब उस एक चीज सोच, तुम बार बार भूल रहे हो बेसिक चीजें, तुम ध्यान नहीं रख रहे सिक्योरिटी हो। का, यस सर आई नो दैट, पर उसमें आई का वैल्यू तो कितना होता है आई का वैल्यू? 9। हाँ तो आई का वैल्यू 9 होता है ना? ठीक है, यहाँ लिख दो, लिख दो 9। एम का वैल्यू क्या होता 9 into 2 18। है? अभी रुक, यहाँ एम का वैल्यू कितना होता है? 13। ओ डबल हो रहा है सर इसका क्या कर रहे हो? ये इजी था कि नहीं था? सर, अभी करो। हाँ करना। ओके तो 44 हाँ पहले भी तुम्हारा 44 आया था लेकिन लॉजिक बेकार था, अभी सही लॉजिक से आया। लॉजिक। हाँ तो इस क्वेश्चन को आप गलत मार्क कर लीजिएगा अपना, ठीक यू सर है? चलो ठीक है, सही कर लो। तो तुम लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हो यार, भगवान सबको तुम्हारे जैसा बच्चा दे। 71 सॉल्व कीजिए यार, कितना सही कितना गलत हुआ अभी तक आपका? सर, 2 सही 1 रॉन्ग 1 अनअटेम्प्ट। वेरी गुड, 71 एंड फास्ट, कीप अ ट्रैक। फिर अभी 9:35 हो रहा है, मेरे को कितना टाइम लगा है सॉल्व करने में? ठीक सर एक बार ये ना इंग्लिश में पढ़ दीजिए ना। त्रिभुजाकार मीन्स की ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 540 मीटर्स। यू नो व्हाट इज पेरीमीटर? यस सर, पैरामीटर साइज। एंड द साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:12:13। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट नाउ? एरिया ढूंढना है ना सर। सर डी How do you get that? कैसे आया? सर ए सबसे पहले मैंने एक्स का वैल्यू निकाला जो कि मेरा 18 आया। वाह वेरी गुड। फिर
उसके बाद में एक्चुअली मैं एरिया का एग्जैक्ट फॉर्मूला भूल गई थी. ए स्क्वायर किया मैंने, 18 का स्क्वायर किया पर 324 आ रहा था. सर एक मिनट, हे भगवान, तुम आंसर कैसे ले आता है जब तुम बीच का स्टेप भूल जाते हो. तो डी है उसका आंसर. तो मैंने रॉन्ग फिगर किया उसका, सर मैं फॉर्मूला भूल गई थी अच्छे से. एरिया कैसे निकाला? ए स्क्वायर साइड स्क्वायर. अरे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि एक होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है? अगर सर तुम्हारा राइट हाँ एंगल जी हाँ मतलब, जी अगर मतलब मान लो ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं डी, तो यहाँ पे ये बेस हो गया बीसी, तो हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, ये होता है एक यस फॉर्मूला, सर. ठीक है? और अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, हम्म, ठीक है, जैसे एबीसी है, तब तो ये पाइथागोरस. बेस हो गया, हाँ, तो हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी हो गया, ये होता है ना बेस इंटू हाइट, तुम्हारा ये हाइट हो गया परपेंडिकुलर बेस ये है। अब ये देखो 5:12 इस टू 13 अगर रेशियो है तुम्हारा, तो मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल है, क्योंकि 5:12 और 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं। तो जो भी तुम्हारा, जैसे मान लो तुम्हारा 5x 12x और 13x आया है, तो एक जो साइड आ गया तुम्हारा वो आ जाएगा 5 into 18 90, दूसरा जो आ जाएगा 12 into 18 that is 216। सो अब जो तुम्हारा एरिया होगा वो क्या होगा, ये होगा हाफ इंटू 19 into 216, तो कम लग रहा है। नहीं नहीं ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ हमने गड़बड़ लिया है क्या? एक 90 लिया, बेस लिया, ठीक है, तो भी आंसर 45 into 216, 45 into 216 अगर आप खाते हैं तो आपको जो आंसर आएगा वो आंसर यही आएगा 972। तो root 3 a square भी तो फॉर्मूला है ना. √3/4 ए स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है ना, ये वाला बोल रहे हो? मैंने एक्चुअली उस मेथड से, मतलब कि मेरा जब आंसर आया ना 18 स्क्वायर का, तो उसके बाद में ये बहुत कम लग रहा था. मतलब मत हंसना मेरे लॉजिक पे, पर मैंने ऐसे किया. 324 बहुत कम लग रहा था मुझे, फिर √3 का वैल्यू मैंने डाल के देख मेरे इनपुट भाई, मेरे किया भाई, मेरे तो. भाई, मेरे भाई, तुमको पता है कि तुम जो बोल रहा है उस पे तो कोई भी हंसेगा, मत हंसने का क्या मतलब है, ये तो हंसेगा ही, जब जोक मार दिया ना तो मैं, अभी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, ये क्या है, खाना है क्या कि थोड़ा सा कम लगा? फिर मैंने मेरे वो इक्विलेटरल फॉर्मूला का फॉर्मूला से थोड़ा सा. भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जब ये साइड्स अनइक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे लगा देंगे, कैसे लगाएंगे हैं? सर मैं ना ये मैंने बोला ना, मैं फॉर्मूला भूल गई थी तो मुझे ये याद आ रहा था बस. वाह, देख इसका दूसरा फॉर्मूला होता है √s s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, हमें ये तो क्वेश्चंस, फॉर्मूला है. ओह माय गॉड, सब पता है इनको आधा अधूरा, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, डू यू नो दिस? ये कहाँ पता पढ़ा तुमने मेरे भाई? यहाँ हाफ s, नॉलेज इज डेंजरस. हाँ s क्या है यहाँ पे शबनम? 18. अबे s सेमी पेरीमीटर है, बाप रे बाप, ओ सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3. हाँ, तो मतलब ये 540 जो है बाय 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर का आधा, तो s तो आ गया तुम्हारा 270, ठीक है, 270 माइनस, उसके बाद ये क्या है, 3 साइड्स है ये जो लिखा है ना, यस सर. क्या तो हो गया? वो 90. रुक रुक रुक, यहाँ पे तुमने 5x 12x और ये जो 13x लिया था, बाप रे बाप शबनम, तुम कब बड़ा हो 18 गए आया था यार, शाम से. क्या 18 आया था, 18 x आया x था 18 आया था ना, तो 18 into 5 90 नहीं होगा सर. हाँ 90 होगा, एक साइड 90 होगा, दूसरा 216 होगा यस और सर. तीसरा 234 होगा। आप यहाँ पे इसको वही तो बोल रही थी सर मैं. चुप रहो, 270 माइनस 90, बाप रे बाप शबनम, कितना हंसी आता है तुमको पढ़ाने में, मेरा 2-3 साल एज बढ़ जाएगा तुमको पढ़ाते पढ़ाते। 217 माइनस, कहाँ चले गए तुम, खाना खाने चले गए क्या? मेरा आंसर तो इवन तुम्हारा आंसर कैसे आ जाता, मेरे को यही समझ नहीं आता, क्योंकि लॉजिक होता है एकदम डैश डैश, मतलब
डैश मतलब शबनम। हेलो हेलो, कनेक्शन गया, लाइट भी गया। फिर लाइट नहीं गया सर, यही हूं मैं। क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम गुस्सा हो? नो सर। अरे मेरे भाई, यहाँ देखना जो कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है जो कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। 270 × 180 × 54 × 36, तो यार माइनस तू 90 90 इंटू थर्ट, तुम क्या क्या माइनस माइनस क्या बोला? वो 270 माइनस 90 180 बोला। हाँ, अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे देखो 92 है ना, उसी तरीके से 18 भी दो है, 3 भी दो है, 2 भी दो है, एक एक करके सब निकाल लो। एक हो सॉरी तो एक बाहर आ नाइन जाएंगे दो। एक 19, एक 18 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 9720 आ जाएगा। ठीक है, आपने कौन से लॉजिक से आंसर ले आया था? सर आ गया आंसर। अभी ओ मेरे भाई, आंसर मैटर नहीं करता, लॉग। हम नहीं बोल सकते मैंने चीटिंग किया। चल चल सॉल्व करते, तुम एकदम ही कार्टून होते जा रहा है। 72 सॉल्व करो। हाँ सर इसका राइट है ना मैम। ये राइट है। जब ना मैं सोचता हूँ मैं किसी हिली स्टेशन में ही रह जाऊंगा, घर वर मतलब सेटल हो जाऊंगा। मेरे को हिली स्टेशन में रहने के फायदे और नुकसान क्या है? हेलो। तो मैं ये आंसर करके फिर आपको बताती जल्दी से पहले बता दो शबनम, तुम एकदम अटल बिहारी वाजपेयी होते जा रहे हो, क्या फायदा है? हूँ। आंसर बताओ। नहीं, सीरियसली, मेंस आल्सो देयर आस्क यू व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिलोकेटिंग टू अ हिली एरिया। सो व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स? अच्छी चीजें क्या हैं? प्रोस ये है कि एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है सब। हम लोग को क्लाइमेट बहुत ही सुटेबल होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, मतलब फ्री नहीं बट काफी हद तक कम होता है। और कॉन्स तो सर वो सोसाइटी वाला मतलब रीजनलिज्म, ओके। और काफी लोगों के लिए यहाँ पे क्या बोलेंगे रिलीजन को लेके दैट इज सेक्युलरिज्म प्रॉब्लम होता है। क्योंकि इट डिपेंड्स कि आप कौन से हिल स्टेशन पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेघालय को ले लें तो ये बेसिकली एक क्रिश्चियन स्टेट है, तो यहाँ पे हिंदू वगैरह माइनॉरिटी हो जाते हैं, तो उनको उनके जो कुछ होते हैं ना छोटे छोटे फेस्टिवल्स उन पे छुट्टी वगैरह नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ जैसे रक्षाबंधन, हाँ उन उनको छुट्टी नहीं मिलता है तो काफी मुश्किल होता है उनको। क्योंकि उन जो रक्षाबंधन होता है वहाँ उस दिन में तो अर्ली मॉर्निंग पूजा वगैरह होता है, तो अगर वो स्कूल जाएंगे तो कैसे वो अपने रिचुअल्स करेंगे। शमी, पहला होमवर्क लिखिए आज का। क्या आंसर लिखा इस पे हाँ क्या क्या फाइंड सर सर इस पे आंसर लिखना फाइंड आउट द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट मेघालय। फाइंड आउट द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट मेघालय। फर्स्ट, लिटरेसी रेशियो या लिटरेसी रेट, अर्बनाइजेशन रेट, ये सब पता होना चाहिए आपको। फाइंड आउट द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट मेघालय। फर्स्ट पॉइंट है लिटरेसी रेट, कि मेघालय का लिटरेसी रेट कितना है। सेकंड, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब कितना परसेंट अर्बन एरिया है और कितने परसेंट लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। थर्ड, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का क्या मतलब है, कितने दिन कितने लोग सेक्स करते हैं, ये है सेक्स रेशियो। नो सर मेल एंड फीमेल। और क्या क्या पता होना चाहिए आइडियली आपको मेघालय के बारे में? लिटरेसी रेशियो हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, और चाइल्ड सेक्स रेशियो। और क्या पता होना चाहिए शबनम आपको अपने स्टेट के बारे में? स्टेटहुड तो आपने बता दिया ना, 1972। यस सर वो तो कल बताया था 21 जन। और कुछ पता होना चाहिए आइडियली आपको, इफ यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 4 पॉइंट्स, एनीथिंग स्टेपल एल्स? हाँ स्टेपल फूड हाँ स्टेपल फूड से ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट हाँ
नहीं वो ठीक है, स्टेपल फूड और एनीथिंग एल्स? हाँ वो जो रिलीजन, रिलीजियस डेमोग्राफी, रिलीजियस डेमोग्राफी का मतलब है कि कितने परसेंट हिंदूज हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, क्या डेमोग्राफी है आपका, वो थोड़ा पता कर लीजिए। आपने जैसे बोला ना क्रिश्चियन स्टेट है, एग्री वी नो इट, बट कितने परसेंट क्रिश्चियन हैं, कितने परसेंट हिंदूज हैं, कितने परसेंट मुस्लिम हैं, लार्जेस्ट ट्राइब, ट्राइबल स्टेट है ये, लार्जेस्ट यस सर, ट्राइब पता कीजिए, ये पता होना चाहिए। आइडियली एज अ सिटीजन ऑफ मेघालय यू शुड बी नोइंग दीस थिंग्स, ये आते हैं इन, यस सर, आप कहीं भी पूछेंगे आपसे। सर बॉर्डर किससे शेयर करता है ये भी पता होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। और कितने नेशनल बाउंड्री शेयर करता है, कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कितने कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है इसका, किसी कंट्री के साथ? नहीं नो सर, बांग्लादेश के ओ साथ सर है ना? बांग्लादेश एकदम एक शगुन है, है बांग्लादेश। बांग्लादेश और कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बस असम नहीं सर, बस नहीं, और किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है आपका मेघालय? इस बार उत्तर में आसाम था, नागालैंड सर, अरुणाचल। बट ये छोटा सा है आपका मेघालय, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना? ये बात है सर, तो मेघालय बस आसाम से बॉर्डर शेयर करता है मेरे भाई। आगे चले, इतने पॉइंट्स लिख लिए आपने कॉपी में? स्टेट बॉर्डर एंड स्टेट बॉर्डर नहीं है कुछ नेशनल इसमें, बॉर्डर। मेघालय का कुछ नहीं है, मेघालय छोटे से फिर से स्टेट है, तो भूल जाओ उसका, वो एकदम इजी है। कंट्री बॉर्डर एक मेघालय है, मतलब सॉरी एक बांग्लादेश है, और स्टेट जो बॉर्डर करता है इसको आसाम है, तो इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं, ठीक है? तो वो ना लिखूँ ना सर, नहीं ठीक है कोई सर। जरूरत नहीं है, वो इजी है। आसाम असाम होता उसमें तो बहुत सारा कंट्री आ गया, फिर बहुत सारे स्टेट्स आ गए, तो फिर वो था इम्पोर्टेंट। छोड़ो, ये हो गया, इतना इतने लिख लिया आपने, 6 पॉइंट्स लिखे लार्जेस्ट राइड तक। यस सर, जल्दी शबू, 72 पे आओ, लिख लिया सर, 72 पे आइए, 72 सॉल्व ओके कीजिए। 7। हाँ सर, होने वाला है शबू, तो मेरा आंसर गलत। इस शबू में स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको, स्पीड इशू है, यू हैव टू बी लिटिल मोर फास्ट देन दिस, ठीक है? होटल, सर आप बता दीजिए। ओके सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगेन जो चीज आपके काम आएगी वो है इजॉटी, ठीक है? यस सर, अब हम देखते हैं एच का क्या कोड है, जी एच एच एट आई 8, ये ओ क्या है 15, टी क्या है 20, है ना? E क्या है 5, L क्या है I J K L 12,
ये है ना शब्बू, शब्बू चला गया 40 करने। 40 नहीं यार, 8 12 20 और एंड 24। एल इज 12। हाँ तो इस सबको जोड़ने पे 60 आ रहा है ना, यस सर, 60 आया। 60 आया, और 60 इंटू 5 कर दिया इन्होंने, 300 आ गया। मतलब जितने लेटर्स से उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हॉस्टल देख लेते हैं एक बार ऐड करके। तो हॉस्टल में तो पहले होटल तो है ही, तो वो 60 हो गया। एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है एस। एस का क्या कोड है चुभूमिया? RST 19 19। 79 हो गया। अब 79 है या टोटल लेटर्स हैं 6, तो 79 इंटू 6 करेंगे तो 474 आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सबको जोड़ रहे हैं। 79 आया, अब यहाँ पहले 60 आया था। टोटल कितने लेटर्स थे? 5, और अल्फाबेट्स कितने थे? 5। तो 60 इंटू 5 किया 300। यहाँ पे सबको जोड़ा, 79 आया। टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 6। 79 इंटू 6 के 474 आ रहा है। तो चलो गया, यस सर, आपको क्या ये रॉन्ग हो गया? यस सर, रॉन्ग हो गया है, अनअटेम्प्टेड। आपका क्या आंसर था? सर मेरा आंसर गलत आया क्योंकि मेरा वो एडिशन में नंबर गलत आया, 69, इसलिए ओके सो रॉन्ग हो गया। तो आपने ऑप्शन कौन सा मारा था? आपने कोई ऑप्शन अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था? नो सर, मैंने बोला सर मेरा रॉन्ग आंसर आया था। तो क्या करिएगा आप, इसको अनअटेम्प्टेड मानिएगा या रॉन्ग मानिएगा? अनअटेम्प्टेड वो तो मेरे को समझ में आ गया था आप क्या बोलने वाला है। तो ठीक है सर, मैं रॉन्ग मान लेती। अरे नहीं मेरे भाई, कर तुम बहुत बड़ा नौटंकी हो गया है। अनअटेम्प्टेड है वो, इस 75 करो। सर मुझे ना समझ में नहीं आते, कभी कभी मैं उदास हूँ आपकी बातों से या फिर मैं हंसू। मेरी बातों से कोई उदास नहीं होना चाहिए, मेरा वो पर्पस कभी नहीं रहता है। मेरा पर्पस ये रहता है कि एक प्रोसेस काफी लंबा है, टीडियस है, इसीलिए आदमी को हंसते हंसते प्रोसेस करना चाहिए, ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। कौन 75 सा बात से उदास हो गए तुम? हाँ नहीं, मतलब आप जब बोलते हो ना कि फॉर एग्जांपल लॉजिक, कौन सा? लो जी, लेस देन 1 मिनट बचा है, जल्दी से बोलिए। ओह माय गॉड, फिर से वॉइस गया। हेलो 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 हेलो। यस सर, यस सर, हाँ क्या कह रहे थे? मैंने बोला क्या बोल, मैं क्वेश्चन कर रही। वो क्वेश्चन नहीं, मैंने कौन सी बात पे तुमको दुख हो जाता है, जल्दी से बोलो। नहीं, मैंने बोला जैसे कि सर आपने बोला फालतू लॉजिक है, तो फिर मैं उस पर दुखी हूँ या फिर मैं हंसू। हंसो और सीरियस रहो कि आगे से अच्छे लॉजिक लगाने हैं। 75 सॉल्व कीजिए, ओके सर, मेरी बातों पे ज्यादा सोचना नहीं है।